हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने पढ़ा था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक लेट We have a uniform magnetic field जिसको हम B कह रहे हैं, ठीक है, in which a current carrying square loop is placed। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। ओके, तो मानिए कि हमारे पास एक स्क्वायर लूप है ठीक है, स्क्वायर लूप कह दीजिए या फिर हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप भी कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो और जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर ही हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका ये वाला साइड है B और ये वाली साइड है L, या सेम भी हो सकते हैं L और L। ठीक है, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। गॉट इट? तो हमें ये देखना है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है और इस पे टॉर्क कितना लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास ए बी सी और डी, हमने मार्क कर दिए पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं कि नेट फोर्स कितना लग रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें चार आर्म हैं अलग अलग। देखिए, ए बी एक कंडक्टर, बी सी सी डी और ए डी। तो मान लीजिए हम ए बी पे फोर्स निकालेंगे, फिर बी सी पे निकालेंगे, सी डी पे, और सभी पे फोर्सेस की डायरेक्शन चेक करेंगे और फिर देखेंगे नेट फोर्स है या नहीं है। तो फोर्स ऑन ए बी साइड, फोर्स ऑन ए बी साइड, ठीक है, एफ ए बी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल बी, याद करिए, फोर्स का फॉर्मूला एक्चुअल में आई एल बी साइन थीटा, ये वाला होता था। आई जो करंट फ्लो कर रहा है वो, बी जिस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा है, और एल उस कंडक्टर की लेंथ जो फील्ड के अंदर लाई कर रही है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे थीटा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर, और ये कंडक्टर कैसे है? ऐसे। तो 90 डिग्री का एंगल हुआ ना, तो साइन 90 क्या होता है? 1। तो बच गया क्या? आई एल बी। तो आई कितना है इसमें? देखिए, ए बी कंडक्टर पे इस बी मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं हम। ठीक है, तो जो ए बी कंडक्टर है हमारा, उसकी लेंथ कितनी है? एल, और उसमें करंट कितना है? आई, और वहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा ये आई एल बी, और इस केस में थीटा क्या है? 90 डिग्री। देखिए, एल उधर, ये एल और बी के बीच एंगल होता है, बट एल की डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द करंट होती है। तो ये कह दीजिए आई और बी के बीच एंगल, तो आई किधर है? इधर, बी हमारा इधर, तो एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। तो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ये, बोर्ड प्लेन में, कंडक्टर भी इसी प्लेन में और फील्ड भी इसी प्लेन में, बट दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ऐसे में इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो कितना लगा? आई एल बी। ओके, अब हमें देखना है कि ये फोर्स की डायरेक्शन किधर है। कौन सा रूल लगाते हैं?
चाहे एल क्रॉस बी लगाओ चाहे फिर हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इजी रहेगा। देखिए ये वाली जो हमारी फिंगर होती थी फर्स्ट फिंगर किसको पॉइंट करती थी, मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो फिंगर होती है ये उसमें जो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसको, तो फोर्स किधर लगा, अंदर की तरफ इस पर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन हुई, देखिए एफ ए बी वो कहाँ हुआ, क्रॉस मतलब इनवर्ड। तो यहाँ हम लगा सकते हैं हमारे पास क्रॉस, ठीक है। फिर और साथ में लिख भी देंगे इनवर्ड। फिर हम देखेंगे इस वाले पे फोर्स सी डी पे, एफ सी डी, सी डी आर्म पे जो फोर्स लग रहा है वो चेक करेंगे। देखिए तो सी डी आर्म पे जो फोर्स है, लेंथ इसकी एल, ठीक है, करंट इसमें भी कितना है आई, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी कितना है बी। तो हमारे पास और एंगल देखिए, ये नीचे की तरफ है करंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री दोनों में। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से आई एल बी। डायरेक्शन के लिए देखें, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, करंट किधर है नीचे, तो फोर्स किधर आया इधर वाली साइड। तो हमारे पास ये जो फोर्स आया आउटवर्ड आया। इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है, बट डायरेक्शन देखिए, एक एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो नेट फोर्स हुआ इस आर्म पे और इस आर्म की वजह से वो क्या हो जाएगा, जीरो। बचा क्या, एफ बी सी, ये लीजिए बी सी एंड ए डी, बी सी एंड ए डी। ये देखिए हमने पढ़ा था कि कोई कंडक्टर जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा है उसके ऊपर फोर्स क्या होगा, जीरो, चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो एंटी पैरेलल हो। तो थीटा जीरो होगा या 180 होगा, जीरो और 180 दोनों ही केसेस में हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम कहेंगे बी सी एंड ए डी आर्म्स लाइज अलोंग द फील्ड, हैंस ड्यू टू दीज आर्म्स नेट फोर्स ऑन द लूप इज जीरो। इन दोनों आर्म्स पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है, तो लूप पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये दोनों थे, इनकी वजह से भी क्या आया था, यह आया था एफ ए बी प्लस एफ सी डी इक्वल टू जीरो। मीन्स इन दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो भी क्या है, हमारे पास जीरो है, ठीक है। तो ऐसे में हमने देखा कि इन दोनों का नेट फोर्स जीरो, इनके ऊपर फोर्स है ही नहीं, तो ओवरऑल जो ये लूप है इस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो जब भी कोई इस तरह की लूप, अब वो चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर लूप हो चाहे वो सर्कुलर लूप हो, कैसी भी लूप हो, उसके ऊपर अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखा है तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, ठीक है। इसमें तो यहां पे लिखिए, और हां उसका ओरिएंटेशन जो भी हो चाहे, ये भी ध्यान रखना, इसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो चाहे, नेट फोर्स क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। हैंस नेट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड का यूनिफॉर्म होना जरूरी है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे
जो फोर्स है वो आई एल बी था, यहाँ भी आई एल बी, लेकिन बी की वैल्यू यहाँ अलग होगी वहाँ अलग होगी, तो ऐसे में जो फोर्स की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी अलग अलग, तो ऐसे में अपोजिट फोर्स कैंसिल आउट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ नेट फोर्स आएगा उसमें, ठीक है। तो प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन एनी ओरिएंटेशन, इसका ओरिएंटेशन चाहे कुछ भी हो, ओरिएंटेशन का मतलब है कि ये ऐसे है या फिर ऐसे रख दी जाए या ऐसे रखी जाए किसी एंगल पे, कैसे भी हो इसमें, ये हम किसी भी ओरिएंटेशन में रख दें इस लूप को, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स क्या रहेगा उस पर, जीरो रहेगा। ओके, तो ये तो बात हुई नेट फोर्स की, तो लेकिन हमारा मकसद नेट फोर्स कैलकुलेट करना नहीं है, हमारा मकसद क्या है, टॉर्क कैलकुलेट करना। क्या टॉर्क? तो देखिए हमने दो फोर्सेस निकाले, इस वाले के ऊपर फोर्स जीरो, इस वाले पे जीरो, बीसी आर्म पे फोर्स जीरो, लेकिन जो एबी आर्म है उस पे फोर्स इनवर्ड, और जो सीडी आर्म है उस पे जो फोर्स है वो आई एल बी है और किधर है, आउटवर्ड, ठीक है। और ये जो एफ ए बी था ये भी आई एल बी था, आई एल बी, और ये क्या था, इनवर्ड। तो देखिए जब भी हमारे पास ये मान लो यही है, यही वो लूप है, ओके ध्यान से देखना, इस वाली आर्म, ये देखिए चार आर्म इस पे, अंदर से ये होलो है, ये वाली आर्म पे फोर्स जीरो, ये वाली आर्म पे फोर्स जीरो, ठीक है, बच की कौन सी, ये वाली और ये वाली। अब इस आर्म पे फोर्स लग रहा है बट किधर है, देखिए इनवर्ड, मतलब आई एल बी फोर्स लगा इधर, लगा अंदर की तरफ, ठीक है, और इसके ऊपर बाहर की तरफ ऐसे, ये देखिए आई एल बी आउटवर्ड। तो ऐसी सिचुएशन में एक फोर्स अंदर है और एक फोर्स बाहर है, तो कुछ ये और इनका जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो है, मींस इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ, लाइन ऑफ एक्शन अलग है, तो ये दोनों फोर्स मिलके क्या बनाएंगे, कपल ऑफ फोर्स, ए पेयर ऑफ फोर्स हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन बट इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, कपल ऑफ फोर्स, ये इसको ऐसे घुमाएगा, फिर ये वाला इसको अंदर खींचेगा, ये वाला इसको बाहर वाली साइड, तो ऐसे ये ऐसे घूमेगा, और ये नेट फोर्स जीरो है, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट मींस इस लूप में कोई मूवमेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग होगी नहीं, अपनी पोजीशन पे क्या करेगा, रोटेट करेगा, ओके। और जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो उस पर क्या लग रहा होता है, टॉर्क लग रहा होता है, वो टॉर्क ही हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो दोनों फोर्सेस हैं, देखिए हेयर एफ ए बी एंड एफ सी डी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी, एंड हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। अगर ऐसी सिचुएशन हो, फिर से सुनिए, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क हमारे पास क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। डोर होता है हमारे पास, दरवाजे को हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं, फोर्स लगाते हैं, क्या वो डिस्प्लेस करता है, नहीं, वो रोटेट करता है, हमने तो उस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है, बट वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसका मतलब हमारा फोर्स किस में कन्वर्ट हो गया, टॉर्क में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं
की, तो टॉर्क मेनली हम ऐसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक कोई भी इस तरह से ये प्लेन है, ठीक है, आपको ये मैं आपको इस तरह का फेस दिखा रहा हूँ इसका, ये ऐसे है ये प्लेन, ठीक है, आपको सिर्फ इसका फ्रंट दिखाई दे रहा है। इस प्लेन पे एक फोर्स लगता है एफ इधर और एक फोर्स लगता है एफ इधर, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं और इनका लाइन ऑफ एक्शन दोनों का अलग अलग, ये इस लाइन ऑफ एक्शन पे, ये इस लाइन ऑफ एक्शन पे, तो ये क्या करेगी, ये वाली प्लेन ऐसे, ये इस तरह रोटेट करेगी, ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट होता है, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस ना यहां से 2d है, क्या है 2d, ओके, तो कहते हैं कि ये जो है रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, तो इस पे क्या लग रहा है मींस, अच्छा पहली बात तो नेट फोर्स क्या हो गया इस प्लेन पे, जीरो, तो ये और ये जो दो फोर्स हैं इनके पास ये वाली करेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का क्या है डिफरेंट है, और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन डिफरेंट है, और मैग्नीट्यूड इक्वल है और लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है, ठीक है, तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन भी अपोजिट हो, तो ऐसे में ये क्या करते हैं, पेयर ऑफ फोर्सेस बनाते हैं, पेयर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, और ये पेयर ऑफ फोर्सेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस टॉर्क, प्रोड्यूसेस टॉर्क, ठीक है, अगर ये टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं तो फिर वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है टाउ सिंबल्स का, और फॉर्मूला होता है आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। अभी आर परपेंडिकुलर क्या है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, तो इस केस में, और ये जो एफ है, ये एफ या तो ये एक लेना है हमने दोनों में से, दोनों इक्वल हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच, तो देखिए पर्टिकुलर इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, इस केस में जो हमारे पास टॉर्क आएगा वो आएगा एफ इंटू आर, परपेंडिकुलर क्या है देखिए, यही तो इसका लाइन ऑफ एक्शन हुआ ना, तो ये 2d ही अपने आप में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज 2d, तो ये टॉर्क आ गया 2fd, सिंपल, ठीक है, तो ऐसे ही यही सिचुएशन हमारे पास है, ऐसे कोई प्लेन है, एक फोर्स अंदर लग रहा है, इस साइड से एक फोर्स बाहर लग रहा है, तो इस पे टॉर्क कितना होगा, तो देखिए ये प्लेन एक फोर्स अंदर एक बाहर, तो लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ, तो ये प्लेन की जो विड्थ है ये वाली, यही तो क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है दोनों फोर्सेस के बीच में, जो दो फोर्स लग रहे हैं, तो हमारे पास जो टॉर्क है वो क्या आ जाएगा, देखिए मैं इसको रब करता हूं, ये समझाने के लिए था कि टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ होगा ये टॉर्क, तो यहां से हम टॉर्क ऑन लूप निकाल रहे हैं, ठीक है, टॉर्क ऑन लूप निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, आर परपेंडिकुलर क्या है, देखिए ये प्लेन की जो विड्थ है वही आर परपेंडिकुलर है, दैट इज बी, और एफ जो है वो है ILB, इन दोनों में से कोई एक फोर्स लेना है हमने, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, हम इसको कह देंगे एफ ए बी या एफ सी डी, एक ही होंगे दोनों इक्वल हैं तो एक लेना है उनमें से, ठीक है, तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा ILB फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए ILB एल इंटू बी, ये वाला एल ये वाला बी, तो क्या एरिया ऑफ द लूप है,
ये हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया, आई ए बी, ओके, टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। देखिए इसको कि हमने कैसे टॉर्क कैलकुलेट किया, समझना है, मैथमेटिकली तो ज्यादा कुछ है नहीं, बस समझने का इसमें है कि हम इसमें कैसे टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे हम टॉर्क कैलकुलेट करती हैं हमें पहले आना चाहिए, ओके। देखिए ये तो हुआ एक पर्टिकुलर केस जिसमें ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है जो फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। एक चीज और यहां लिख दूं मैं, देखिए प्लेन जो है ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो स्क्वायर लूप है, लूप और फील्ड, तो लूप का जो प्लेन है उसके और फील्ड के बीच एंगल कितना है, देखो फील्ड ऐसे और लूप भी ऐसे ही, तो इसका मतलब लूप का जो प्लेन है फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ लूप एंड बी इज 0 डिग्री। आप सोचेंगे कि एंगल तो इसमें आया भी नहीं अभी तक फॉर्मूले में, तो एंगल का जिक्र क्यों कर रहे हैं। हाँ हम बताएंगे अभी नेक्स्ट केस में एंगल भी आएगा, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि वहां हमने एंगल 0 डिग्री बताया था, तो रिजल्ट वही वाला आ जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन ड्रॉ करते हैं इसकी, देखिए किस तरह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी भी कहाँ है, इसी डायरेक्शन में है, लेकिन जो हमारा प्लेन लूप था वो कुछ अब की बार ऐसे हो गया है, जो हमारा रेक्टेंगुलर लूप था उसने रोटेशन कर लिया कुछ, ठीक है। आप ये समझिए कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, और ये लूप था, पहले लूप ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में, मींस लूप और लूप का जो प्लेन है ये और फील्ड उनमें एंगल क्या है, 0 डिग्री, ओके। अब क्या कर गया कि लूप हमारा ऐसे रोटेट कर गया, या मान लो कि ऐसे, अब यहां से आपको ठीक दिखेगा, ऐसे रोटेट कर गया, फील्ड अभी भी वही है देखिए, और जो लूप पहले ऐसे था वो अब ऐसे रोटेट कर गया, राइट। अब ये फिलहाल अगर मैं पूछूं कि लूप का जो प्लेन है और जो फील्ड है उसके बीच कितना एंगल है, देखिए कुछ तो होगा, ये ऐसे हो गया तो 90 डिग्री, ये लूप ऐसे था और ऐसे हो गया, ऐसे था तो फील्ड और प्लेन का जो लूप है, लूप का जो प्लेन है उसमें 0 डिग्री, लेकिन अब ऐसे तो लूप तो इसके, लूप का जो प्लेन है फील्ड के परपेंडिकुलर, लेकिन यहां हो तो कुछ ना कुछ एंगल। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो हमारे पास है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहां से, ये वाली देखिए, ये जो इसके पैरेलल जाएगी यहां से ऐसे, ये है प्लेन ऑफ लूप जो मैं ग्रीन कलर से शो किया है, ये ऐसे था अब ऐसे हो गया, ये ग्रीन वाली लाइन है ये, ठीक है, और फील्ड ये मेरा मार्कर है, तो दोनों में एंगल कितना हो गया, थीटा, कितना एंगल हो गया दोनों में, थीटा। और इसको और अच्छे तरीके से मैं शो कर सकता हूँ दूसरे मेथड से, देखिए वो हमने डायग्राम बनाया था, अगर मैं आपको इस प्लेन का ये वाला फ्रंट ना शो करके आपको सिर्फ इसका जो पिछले वाले केस में था ये वाला फ्रंट शो कर दूँ, ये वाला, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास प्लेन का आपको एक सामने का फेस नज़र आ रहा है और उसके ऊपर ये क्या है, फोर्सेज हैं एफ और एफ, ये सिचुएशन हमने सॉल्व की ये वाली, लेकिन अब हो क्या गया, अब थोड़ा सा चेंज इसमें आ गया कि ये
एस, ये वाला जो हमारे पास सेंटर जहां जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा, ये ऐसे आ गया। अब की बार हम ये कहेंगे, चल दूसरा बना लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ में आए। ये वाली सिचुएशन अब की बार थोड़ी रोटेट होके, देखिए ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, ये इसकी सेंट्रल लाइन हो गई। तो यहां से अब की बार ये हमारा जो प्लेन है ना, ये ऐसे है, ये जो फोर्स है वो अभी भी नीचे लग रहा है एफ, और ये वाला फोर्स अभी भी यहां लग रहा है इसी लाइन पे एफ, ठीक है। लेकिन जो इनिशियल सिचुएशन थी उससे एंगल कितना बना गया, थीटा। इनिशियल सिचुएशन से कितना बन गया ये, थीटा। ऊपर वाली देखिए, ऊपर वाली तब है जब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ने हमारे पास, ये वाला जो डायग्राम आपको शो कर रहा हूं ये इस तरह का है, इसमें एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, और जो फील्ड है वो हमारा ऐसे है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो फील्ड का और जो इस लूप का प्लेन है वो 0 डिग्री पे, अभी ऐसे घूम गया थोड़ा सा, देखिए ऊपर उठ गया, समझ गए ना, ये ऐसे हो गया। फील्ड अभी भी यही है, लेकिन ये जो प्लेन है इसका फ्रंट देखिए ऐसे, तो ये कितने एंगल, ये 0 डिग्री था ना, अब कितना उठ गया, थीटा उठ गया ना, तो हमने वही शो किया है थीटा। लेकिन अब देखिए कि ये जो फोर्स है ये अभी भी ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ ही है, ओके। लेकिन अब जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, तो इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है आर परपेंडिकुलर। उस केस में ये जो हमने पिछले वाला जो हमारा जो था, देखा डायग्राम को, देखिए आप बी विड्थ ले रखी थी ना हमने, तो इस केस में अब ये वाला हमारे पास बी है, ठीक है। तो यहां आपको कम समझ में आएगा, यहां देखिए वो वही है, उसमें मैंने आपको प्लेन ऐसे दिखा रखा है, इसमें मैंने प्लेन को आपको ऐसे की बजाय ऐसे कर दिया है, ठीक है। यहां इस केस में ये वाला बी है, समझ गए, ये ऐसे रोटेट कर रहा था, मैंने इसको थोड़ा ऐसे करके ऐसे कर दिया, समझ गए ना, ये अब ऐसे रोटेट कर रहा है। तो पहले जब ये था तो ये बी इसकी ये विड्थ है, ठीक है। और अब यहां से लेके यहां तक ये वाली बी है, ठीक है, बट परपेंडिकुलर ये वाली रहेगी। हमें चाहिए होती है टॉर्क निकालने के लिए आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, फोर्स तो अभी भी एफ ही है, और एफ की वैल्यू यहां क्या थी, आई एल बी, क्या थी, आई एल बी, ठीक है, पिछले वाले केस में निकाली हमने ये। तो अब ये वाला अगर बी है तो ये वाली कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, बताइए। अरे भाई ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, ये वाली बी कॉस थीटा, देखिए ये वाली बी कॉस थीटा और ये वाली बी साइन थीटा। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें चाहिए बस ये वाली बी है तो ये बी कॉस थीटा, ये एंगल थीटा, यहाँ थीटा है, ये भी थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास आर परपेंडिकुलर आ गया बी कॉस थीटा और एफ है आई एल बी। देखिए आई एल और ये स्मॉल बी, एरिया बनता है आई ए और साथ में बी कॉस ऑफ थीटा। अब आ गया थीटा, थीटा जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अगर ये थीटा 0 हो जाए तो रिजल्ट ये आएगा आई ए बी, क्योंकि कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो आई ए बी क्या आ जाएगा, टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। इफ थीटा इज 0 देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम
और ये रहेगा आई ए बी। और जब ये इस फील्ड में घूमकर ऐसे आ जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में टॉर्क क्या होगा? जीरो। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा हमने शो किया था ना, प्लेन ऐसे, फील्ड ऐसे, जब ये घूम के ऐसे आ जाएगा तब प्लेन और फील्ड के बीच एंगल कितना है? प्लेन ऐसे, फील्ड ऐसे, 90 डिग्री ना। तो इफ थीटा इज 90 डिग्री तो टॉर्क विल बी मिनिमम एंड दिस विल बी जीरो। तो हमारा अगर लूप है, करंट कैरिंग लूप, उसका जो प्लेन है वो इन द फील्ड रखा है। प्लेन किसमें है? फील्ड में ही है, उसी फील्ड के जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है उसी प्लेन में, उस लूप का प्लेन लाई कर रहा है। तो टॉर्क मैक्सिमम, और अगर प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मींस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और लूप ऐसे रख दिया हमने, ऐसे नहीं ऐसे, मतलब ये देखिए फील्ड परपेंडिकुलर टू द लूप हो गया ना, तो ऐसे में हमारे पास क्या आएगा? टॉर्क जीरो आएगा। और अगर ये फील्ड ऐसे है और लूप ऐसे रख दी तो ये पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप हो गया, तो उस केस में हमारे पास टॉर्क क्या आएगा? मैक्सिमम। कंक्लूजन यही है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा करंट कैरिंग लूप इन द प्लेन ऑफ द लूप होगा, मींस जो करंट कैरिंग लूप है उसके पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो ऐसे में टॉर्क मैक्सिमम। और टॉर्क मिनिमम कब होगा? जब फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ऐसे। और जो फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो ऐसे में टॉर्क, नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा? जीरो। ओरिएंटेशन चाहे 0 डिग्री हो चाहे 90 डिग्री, कुछ भी हो, ऐसे में नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा? जीरो, अगर फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। ओके, अब ये जो हमारे पास है ना टॉर्क, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसको बताने से पहले मैं एक और चीज बता देता हूं, ठीक है? हमने किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर पढ़ा हुआ है। मान लीजिए यही हम प्लेन ले रहे थे बार बार, ये हमारा फील्ड था। मैं कहूं इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? इस प्लेन का। देखिए ये प्लेन और फील्ड के बीच एंगल क्या है? 0 डिग्री। इस सिचुएशन में टॉर्क क्या है? मैक्सिमम। अब मैं कहूँ कि इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, तो आप कहोगे ये इसका एरिया वेक्टर है, ये पेन, यही इसका एरिया वेक्टर, और फील्ड ऐसे। तो एंगल इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है कि फील्ड और एरिया वेक्टर ऑफ द लूप, जो एरिया वेक्टर है हमारे पास लूप का, और उसके बीच भी एंगल दिया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड के बीच। तो वो क्या होगा? देखिए, इफ बी द एंगल बिटवीन अल्फा बी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड, इफ अल्फा बी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन क्या अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा हमेशा? बताइए। देखो अभी मैं कहूं तो अल्फा किधर है, मींस हमारा अल्फा, छोड़िए, एरिया वेक्टर किधर है? इधर है, बिल्कुल। और हमारा जो प्लेन है, ये वाला प्लेन लूप का, उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये वाला है इस तरफ। तो फिलहाल थीटा क्या है? 0 डिग्री। देखिए थीटा होता है प्लेन और फील्ड के बीच एंगल, तो वो क्या है? 0 डिग्री। और अल्फा क्या है? अल्फा और फील्ड के बीच, देखिए अल्फा इधर है, मींस अल्फा किस किस के बीच एंगल है? एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच, तो एरिया वेक्टर इधर है, फील्ड ये है, तो अल्फा ये हुआ 90। अगर ये थोड़ा सा घुमा के ऐसे ले आए, ठीक है, ऐसे में एरिया वेक्टर, देखो फील्ड हमारा इधर ही है, अब एरिया वेक्टर किधर गया? उधर।
तो फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना? 0 डिग्री. प्लेन और फील्ड के बीच 90. कहने का मतलब वो 0 हुआ तो वो क्या हो गया? 90. तो ये जो दोनों हैं इनका सम क्या रहेगा? हमेशा 90 डिग्री. ठीक है. अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड. सॉरी. और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ द लूप. और एरिया वेक्टर किसका? वो भी प्लेन ऑफ द लूप का ही एरिया वेक्टर है. तो ऐसे में थीटा क्या आ जाएगा? 90 माइनस अल्फा. और टॉर्क क्या हो जाएगा? देखिए आई ए बी और जो कॉस है थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा. और कॉस 90 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा. आई ए बी साइन अल्फा. तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी है. अगर एंगल प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच दिया हो तो ये फॉर्मूला टॉर्क निकालने का. और एंगल उस प्लेन के लूप के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच दिया हो तो टॉर्क निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला आई ए बी. ए क्या है? एरिया ऑफ द लूप. लिख सकते हैं अगर नहीं ध्यान रहे तो. वैसे पता होना चाहिए. एल इंटू बी को देखा, एल इंटू बी को हमने एरिया कहा था. ये एरिया है एरिया ऑफ लूप. एरिया को यहां एरिया वेक्टर भी कहा जा सकता है. तो ये जो हमारे पास टॉर्क है उसको ऐसे लिख सकते हैं आई ए वेक्टर क्रॉस बी. ठीक है. वापिस घूम के ए बी साइन अल्फा ही आ जाएगा. क्लियर. बट आप इस पे ना जाके आप इन पे रहिए, बस आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन यहीं तक हो जाएगा लगभग. और टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है. और टॉर्क कहाँ रहेगा हमेशा? टॉर्क रहेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें ए एरिया वेक्टर और बी लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो वो डायरेक्शन जो टॉर्क है एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिख लीजिए इसमें टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो ये हमारे पास क्या था? टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड.